और राजधानी देहरादून में बदमाशों के हौसले आज दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बीती देर शाम देहरादून स्थित जीएमएस रोड पर जमकर बवाल देखने को मिला है। देर रात बदमाशों ने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई कि इलाका दहल उठा। बताया जा रहा है कि देर शाम करणी सेना के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार दुकान पर गए थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच और पड़ताल कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि जीएमएस रोड पर जो है वादी द्वारा ये बताया गया था कि वो जब अपने मित्र के साथ था तो कुछ लोगों द्वारा उस पर फायरिंग की गई और करीब 10-15 लड़के थे जिनको जिनके द्वारा उसकी गाड़ी तोड़ी गई। उसके द्वारा बताया गया कि सामने आने पर इन्हें पहचान सकता है। इस संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो मौके की फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो जो एक्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है।